हे एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल। और कैसे हैं आप सब लोग? नमस्कार, नमस्ते, हेलो, हाय। और मैं हूँ मीरा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मीराज ब्लॉग्स। और आज मैं इवनिंग से ही मेरा ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि आप लोग जो लोग मेरा ब्लॉग देखते हैं उन लोगों को पता है मैं इवनिंग को ही ज़्यादा ब्लॉग्स करती हूँ, क्योंकि पूरा दिन मैं जॉब में रहती हूँ। सो इसीलिए और अभी इवनिंग का ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, तो डिनर भी मीन्स डिनर तक ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और मेरे चैनल को अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं तो आप लोग प्लीज़ चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, रेड बटन वाला, बाद में लाइक कीजिए, बाद में वो बेल आइकन है उधर दबा दीजिए। तो फिर क्या होता है ना, जब मैं वीडियो अपलोड करती हूँ तो जल्दी से नोटिफिकेशन आ जाता है आप लोगों को, तो आप लोग जल्दी से क्लिक करके देख सकते हैं। तो इसीलिए तो अभी मैंने जस्ट आई हूँ कंपनी से, जस्ट फ्रेश अप हो गई हूँ और बर्तन वगैरह धो दी हूँ। कल का जो रहता है ना रात का, सो रात को तो धोना नहीं होता है, टायर्ड रहते हैं ना। सो इसीलिए अभी राहुल अभी तक आए नहीं हैं, मैं उसके लिए इंतज़ार कर रही हूँ। सो उन्होंने आ जाएंगे तो फिर हम प्लान करेंगे रात को क्या होगा। सो इसीलिए डिनर में क्या बनेगा। और एक बात है, मीन्स हमारा ये स्विच है ना, इसका क्या बोलते हैं, गीजर का जो स्विच है ना, ये वाला देखिए, इसका हालत देखिए, ठीक है। ये बोर्ड भी ना ऐसे उठ के आ रहा है। सो इसीलिए मैं सोची हूँ जाके अंकल को बताती हूँ, अंकल ने ये ला दे, इलेक्ट्रिशियन जो आते हैं ना उनका घर का, सो वो आते हैं तो अच्छा होगा, क्योंकि अभी गर्म पानी का बहुत ज़रूरत है, ठीक है। मॉर्निंग उठ के ठंडा पानी में हाथ लगाया ना, पूरा ऐसे झिनझिन कर रहा है एकदम। सो इसीलिए तो जुड़े रहिए मेरे ब्लॉग के साथ, क्या क्या कर रही हूँ आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। तो अच्छी लग रहा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए और भी आगे जाने के लिए। तो जुड़े रहिए। रात को मैं क्या बनाऊँगी वो मैंने खुद से डिसाइड कर ली हूँ। तो मैंने राइस ऑलरेडी कुकर में चढ़ा दी हूँ, वो हो जाएगा। और एक चीज़ है, देखिए इसको ना क्या बोलते हैं, सब्जी वो सीम होता है ना, सीम का जो बड़ा हो जाने के बाद होता है ना ऐसे, ठीक है। इसका नाम मैं बताती हूँ राहुल आने के बाद, ठीक है। इसको मैंने छिल के अंदर का जो होता है ना उसका सब्जी बनता है। तो मैंने एक नया डिश बनाने वाली हूँ आज, तो राहुल को मैंने अभी कॉल करके बोली ये आपने थोड़ा सा जस्ट चिकन ये करके छोटा छोटा पीस करके लेके आइए, ठीक है। तो इसके साथ और एक आलू छोटा छोटा कट करके दे के मैं क्या बनाऊंगी, घुघनी, चिकन का घुघनी बनाऊंगी। तो घुघनी जो होता है ना वो मटर मटर जो होता है ना, ग्रीन मटर, बाद में व्हाइट मटर जो होता है, व्हाइट कलर नहीं, जो पक जाने के बाद जो मटर होता है ना वो कलर का, उसके साथ चिकन छोटा छोटा पीस देके चिकन का घुघनी बनता है, ठीक है। एक्चुअली मटर आलू का सिर्फ घुघनी बनता है, बट वो मटर आलू और चिकन देने के बाद चिकन घुघनी हो जाता है उसका रेसिपी, ठीक है। सो इसीलिए मैंने डिसाइड की हूँ मैं ये वाला मटर की जगह यूज करूंगी मैं ये, ठीक है, ये वाला छिलके। और चिकन छोटा छोटा पीस करके लेके आएंगे राहुल। सो और आलू में छोटा छोटा पीस करके डालेंगे, जैसे चिकन बनाएंगे ऐसे ही बनाएंगे, तो चिकन घुघनी बनेगा आज रियली। आ गए बाबूया। हाँ, आई एम सो एक्साइटेड टुडे, आई वांट टू मेक वन न्यू डिश, ओके, दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू टू टेक चिकन। या आज एक नया डिश बनाऊंगी। मास्क तो खोल दो, रूम का अंदर आके 5 मिनट हो गए हैं, मास्क पहन के खड़े हैं। क्या है, चल क्या रहा है आपका? देखो उधर नीचे, उधर साइड। और एक बात बोलो, इसका इसका नाम क्या है प्लीज बता के जाओ, इसका इसका नाम क्या है? तूर, तूर इन मराठी, ओ तूर बोलते हैं उसका, तूर तूर दाल जो होता है उसका ये है क्या, इसको सुखाने के बाद तूर दाल होता है क्या? अच्छा जी, अभी समझ में आया। इसको जो कच्चा है इसको मैंने छील रही हूँ, ऐसे देखिए ऐसे बन रहा है। तो इसको होने के बाद, सुखाने के बाद, मीन्स पकने के बाद जो होता है वो तूर दाल बनता है, तो इसलिए तूर बोलते हैं इसको। तो मैंने बना, मैंने आगे किचन में, सो मेरा राइस तो बन गया है, मैंने ये बॉयल भी कर ली हूँ आलू और वो जो तूरी तूर सॉरी तूरी बोल रही हूँ तूर, तो मैंने बॉयल कर ली हूँ इसको भी। और अभी मैंने करूँगी चिकन मैरिनेट, ठीक है। ये ज़्यादा ही छोटा कर दिया है चिकन, ओके, चिकन भुना टाइप का होता है ना वो बना दिया है, ठीक है। सो मैंने काट ली हूँ टोमेटो, ऑनियन, चिल्ली, इधर हो गया है मेरी। अभी चिकन मैरिनेट कर लूँगी। चिकन मैरिनेट करने के लिए मुझे नींबू चाहिए, ओके, नींबू से मैं मैरिनेट करूँगी। और जैसे हल्दी हल्दी नमक इतना ही, हल्दी नमक ऑयल ऑयल सॉरी भूल गई थी ऑयल, इसी से करूँगी, नींबू से मैरिनेट कर लेती हूँ जल्दी से। तो पकाऊंगी मैं
आलू चिकन का घुगनी। मैं सरसों का ऑयल से बनाऊंगी आज का घुगनी। तो सरसों का ऑयल मैंने कढ़ाई में डाल दी हूँ और कढ़ाई गर्म होने के बाद मैंने डाल रही हूँ जीरा फोड़न। तो जीरा फोड़न थोड़ा सा फ्राई हो जाने के बाद ग्रीन चिल्ली कट करके रखा हुआ, बाद में मैं ऑनियन डाल रही हूँ और ऑनियन अच्छे से फ्राई हो जाने के बाद हम दूसरा मसाला डालेंगे। तो अच्छे से फ्राई कर लेंगे इसको, थोड़ा ब्राउन ब्राउन कलर का हो जाना चाहिए ये ऑनियन। तो अभी फ्राई हो गया तो मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल रही हूँ इसमें। तो जिंजर गार्लिक पेस्ट को हम फ्राई कर लेने के बाद थोड़ा और बाद में टोमेटो डाल रहे हैं, टोमेटो मसाला थोड़ा सा फ्राई होने के बाद हल्दी डाला, बाद में चिल्ली पाउडर डाले, बाद में हमने चिकन मसाला डाली हूँ मैंने, क्योंकि चिकन है सो चिकन मसाला डालना ज़रूरी है। तो अच्छे से मसाला पक गया अभी, तो मसाला पक जाने के बाद थोड़ा सा पानी डाल के इसको और थोड़ा मसाला को पका लेंगे। तो देखिए मसाला अच्छे से, मसाला से ऑयल निकल रहा है, तो मैंने नमक डाल दी हूँ। नमक डालने के बाद थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे इसको, बाद में हम डालेंगे इसमें चिकन। देखिए मेरा भुना हुआ चिकन जो था उसको मैंने डाल दी हूँ और मसाला के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे थोड़ा टाइम तक। बाद में आलू और जो तूर था वो मैंने डाल दी हूँ, वो बॉईल किया हुआ है ऑलरेडी, चिकन भी भुना हुआ है सो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो थोड़ा सा कर देने के बाद, ऐसे मिक्स करने के बाद ढक देंगे हमने बॉईल होने के लिए। ठीक है, अभी तो लंबू क्यों हो गए, वो पहले बताओ मुझे आप क्या खाए थे, क्या क्या कर क्या रहे हो आप? मोबाइल देख रहा था। अच्छा सेम सेम पैंट टी शर्ट सॉरी ये ड्राई फोन मैचिंग मैचिंग। अच्छा नया वाला रेसिपी अब मीन्स जो मैं बनाई हूँ, इंडिया हार गया, सो सैड, इनका मुंह तो देखो इंडिया हार गया। आपने वो मैं जो बनाई हूँ ना अभी थोड़ा टेस्ट करके बताओगे कैसे हुआ? मैं पहले कभी नहीं बनाई ऐसी, है ना? होने तो दो अभी बनाने का ऊपर भी डिपेंड होता है ना। मेरे पापा ने अच्छे बनाते हैं चिकन का घुगनी, बाबा ने अच्छे बनाते हैं। पहली बार खाऊंगा। हाँ क्योंकि आप सब्जी के साथ चिकन नहीं खाते हो इसलिए वो नहीं बनाते हैं, तो चिकन ही बनाते हैं। चिकन। और आप लोगों का कैसे चल रहा है जिंदगी, थोड़ा कमेंट में बताइए हम लोगों को, हम भी पढ़ेंगे और अच्छा लगेगा हमको रिप्लाई करने के लिए आप लोगों को सही में। तो देखती हूँ जाके मेरा चिकन का घुगनी का कोशा का क्या बोल रही हूँ मैं तो क्या हो क्या रहा है। वाह ये देखिए हो रहा है मेरा। तो ये और थोड़ा देर बाद मैंने इसमें थोड़ा पानी डालूंगी, इतना ही, तो बाद में बॉईल हो जाएगा। ऑलरेडी आलू तूर तो बॉईल हुआ है, चिकन बॉईल होने का अच्छे से सो हो जाएगा। अभी बैठ बैठ के देख रहा है इंडियन आइडल, ठीक है, और मैं जा रही हूँ इधर, मेरा हो गया है इधर कौशा, देखिए ऑयल भी निकल के आ गया है। तो इसमें मैं थोड़ा पानी डालूंगी, थोड़ा सा पानी कम करेंगे, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बस। थोड़ा सा पानी डाला मैंने, हो जाएगा और थोड़ा देर में हो जाएगा। तो राहुल को तो आज के डिनर में मेरा चिकन का घुगनी रेडी हो गया है, ये मैंने बाटी में करके लेके आई हूँ बॉल में छोटा सा। तो अभी राहुल ने टेस्ट करके बताएंगे कैसे हुआ है, ठीक है। ये गर्म है तो इसका ऊपर थोड़ा ये करो, नींबू डालो, थोड़ा थोड़ा सा नींबू डालो। गर्म में बोला था हाथ में उठा लिया, डाल के खा के बोला रखो रखो नीचे रखो गर्म में बोली थी मैंने आपको। जूसी जूसी अब
I'm waiting. ज़्यादा फू नहीं कर रहे हो अभी? ज़्यादा फू नहीं कर रहे हो? नमक हुआ है? तूर खा के देखो, तूर और चिकन खा के देखो, तीनों भी एक साथ है, तीनों भी एक साथ है आपने? वाओ मस्त हुआ है। नाना कोनो आप खाओ खाओ या गया सुपर वाइट आई एम सक्सेसफुल ऑन चिकन घुगनी। अरे डिनर इधर हो रहा है रेडी खाने के लिए, और चलिए अब डिनर कर लेते हैं। चलो चलो खाना खा के सो, फिर सोना फिर कॉल सेम ड्यूटी जाना रेगुलर लाइफ है ना। क्या कर सकते हैं, जॉब में तो जाना है, आप लोगों के साथ बात भी करना है। सो हमारे साथ जुड़े रहिए, हमको सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक भी कीजिए, शेयर भी कर दीजिए प्लीज प्लीज प्लीज। और हमारे साथ जुड़े रहिए, हमको सपोर्ट कीजिए और भी आगे जाने के लिए, ग्रो करने के लिए हमारे चैनल पे। तो आज तो फिर इतना ही, चलती हूँ टाटा, फिर मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग लेके। अरे तब तक के लिए टाटा टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट। इनका एंटीना थोड़ा बाद में चलता है, ठीक है? ओए दाढ़ी बाबा, टाटा टाटा।